महानगर में चोरी जैसी घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। उसी संकलाम में हम बात करेंगे अलीगढ़ के थाना दहली गेट क्षेत्र के अंतर्गत छपेटी बाजार की। चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी जैसी घटना को अंजाम दे दिया है। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पीड़ित व्यापारी। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी, कहाँ पर आपकी शॉप है? ये छपेटी बाजार में गली में घुसते हैं। किस चीज़ की शॉप है आपकी? मेटेरियल की। तो कल आप में क्या हुआ, किस तरह की चोरी हुई हो? दुकान की ताले काट दी हैं सामने और सांकर काट दी हैं बीच में से, और ईंट फंसा के एक नीचे एक ऊपर अंदर घुस के सामान ले गए। अच्छा, कितने का माल चोरी हुआ है? 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये का। तो क्या क्या चीज़ थी जो चोर लेके गए? पीतल है, तामा है, जस्ता है, और पीतल का लोचन है जी, और नगद पैसे हैं 2.5 लाख रुपये। अच्छा, नगद कितना था? 2.5 लाख रुपये। अच्छा, तो आप पुलिस के पास गए? आप पुलिस आई थी सुबह, हमने कहा था सामने पीएसी वाले बैठते हैं, तो बोले ये बेकार हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, कैमरे हैं वो भी ये बोले ख़राब हैं। अच्छा, वो नाम मामले लगा के चले गए। आश्वासन दे के गए? हाँ, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है आपका? आ गया आशु आशने। आशु, किस तरह की ये चोरी को ये हुई है, क्या माने? इनका जो चोरी हुई उससे एक दिन पहले हमारे शटर पे से रात को 2-2.5 बजे करीबन आधा शटर उठा के 6 मूर्ति लेके चले गए। किसी की बेचते हैं मूर्ति? नहीं नहीं नहीं, हम पूजा करते हैं भगवान, हमारी कन्फेक्शनरी की शॉप है ओपी लाला के नाम से। हाँ। तो हमारी बराबर हम भगवान की पूजा करते हैं, तो हम पीतल की मूर्तियाँ थी 5-6। तो शाम को वो रात को जैसे दुकान बढ़ाते हैं 12-12.5 बजे, रात को शॉप बढ़ाने के बाद हम घर गए तो सुबह देखा कि यहाँ पर 6 मूर्ति गायब थी। और क्या ले गई? केवल मूर्ति। अच्छा, तो आपने पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेंट की, 112 नंबर को कॉल मिलाई थी हमारे भाई ने, बड़े ने, संजीव कुमार ने। पुलिस आई, उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे दिए, देखेंगे क्या होगा जी। और आपका क्या नाम है? रिंकू। रिंकू, कल क्या हुआ, किस तरह की चोरी हुई है? चोरी क्या है सर, यहाँ पे तो लगातार चोरियाँ हो रही हैं 2 दिन से, अब तीसरे ही पता नहीं आज किसका नंबर है। अच्छा, आज किसका नंबर है? बस रात में क्या पुलिस की गश्त होती नहीं है, क्या मानते हैं? पुलिस की गश्त होती है, होती है ना के बराबर थी, होती है ना के बराबर, मगर पता नहीं सर कब क्या हो जाए। पुलिस प्रशासन, आप किस तरह की गुहार करेंगे कि आगे इस तरह की घटना दोबारा ना हो छपेटी बाजार में? बस यही गुहार करेंगे कि जो गश्त है उसको थोड़ा सा उसकी और बढ़ाया जाए, लेपर एक ही अगर दो करी जाए। और क्या कहेंगे आप? बस सर ये कहना चाहेंगे आगे कुछ इस तरीके की वारदात ना हो, परेशान व्यापारी ज़्यादा है यहाँ पर, हर दहशत में है वो, चला अब गरीब आदमी इसका 2.5-3 लाख का नुकसान था, मर गया, उसके पास खाने पीने के लिए वैसे ही कुछ नहीं है, उसका आदमी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो ऐसा आगे ना हो किसी के साथ, ये चाहते हैं इसकी उक्त कार्रवाई की जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है। किस तरह की रात को ये चोरी की घटना हुई, थोड़ा आगे आ जाइए। ये घटनाएँ तो रोज़ हो रही हैं यहाँ जी, और रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ना तो कोई पुलिस की गश्त है ना कुछ है यहाँ। तो पुलिस प्रशासन के पास आप शिकायत लेके गए हैं? कल भी कहा है और आज भी कहा है, आज आए हैं और आगे मुआयना करके चले गए हैं। अच्छा, क्या आश्वासन दिया है, मतलब इस तरह की कभी भविष्य में ना हो चोरी, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, रुके हैं, कार्रवाई करेंगे। अच्छा, करेंगे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर डेली गश्त हो रात को, इससे कि घटना रुकें। तो देखिए, छपेटी व्यापारियों का कहना है कि पुलिस अपनी गश्त को थोड़ा और बढ़ा दे, जिससे आए दिन जो चोरी जैसी घटना को चोर अंजाम दे रहे हैं उस पर रोकथाम लगे, लगाम लगे। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़ अली।